नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस नए ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिड अल्टरनेटर की। तो आपने देखा होगा शुरुआत में ये वाला जो अल्टरनेटर है, हाइब्रिड अल्टरनेटर, ये यूज किया गया मारुति के द्वारा, जैसे कि अर्टिगा, सियाज और भी कई एक गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर ये अल्टरनेटर यूज़ किया जा रहा है। महिंद्रा में भी आता है, महिंद्रा का आप स्कॉर्पियो वगैरह देखेंगे तो उनके अंदर भी ये अल्टरनेटर मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम शुरुआत की बात करें तो पहले टाइम में गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर यूज नहीं होता था। उस टाइम पर यूज होता था डायनोमो। मेरे जितने भी भाई हैं जो काफ़ी टाइम से इस लाइन में हैं, उन लोगों को मालूम होगा। लेकिन जो डायनोमो था उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उसका मेंटेनेंस काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता था, और अगर बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की और सिंपल भाषा में बोलें उसकी लाइफ की, तो उसकी लाइफ बहुत कम होती थी, काफ़ी जल्दी वो रिप्लेस करना पड़ता था। तो इन्हीं सारी कमियों के चलते बहुत जल्द उसे गाड़ियों से एलिमिनेट कर दिया गया और उसकी जगह ले ली अल्टरनेटर ने। तो अल्टरनेटर जब मार्केट में आया तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, उसकी लाइफ अच्छी थी, उसका मेंटेनेंस काफ़ी टाइम के बाद करना पड़ता था। और एक ख़ास बात जो अल्टरनेटर को काफ़ी बेहतर बनाती थी, वो बात ये थी कि ये बैटरी को काफ़ी तेज़ी से चार्ज करता था, क्योंकि जो डायनोमो था उससे बैटरी बहुत स्लो चार्ज होती थी, लेकिन अल्टरनेटर के केस में ऐसा नहीं था। अल्टरनेटर बहुत तेज़ी से बैटरी चार्ज करता था। आपने देखा भी होगा, मेरे जितने भी भाई काम करते हैं, अगर किसी गाड़ी का अल्टरनेटर प्रॉपर काम कर रहा है और उस गाड़ी की बैटरी किसी भी वजह से अगर डिस्चार्ज हो जाती है और उस गाड़ी को आप स्टार्ट कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं लगभग 7-8 मिनट के लिए, इवन आइडलिंग कंडीशन में, तो 7-8 मिनट बाद वो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होना शुरू कर देती है। तो ये अल्टरनेटर की खास बात थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक नई टेक्नोलॉजी यूज की मारुति वालों ने, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं SHBS। आप लोगों ने देखा होगा जो जिन गाड़ियों के पीछे हाइब्रिड लिखा होता है, और आप उसके क्लस्टर पर भी देखना, उस पर लिखा होता है SHBS। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को सुजुकी ने यूज़ किया था, इसलिए उन्होंने सुजुकी नाम दे दिया, स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ज़्यादा कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया, बाकी की सारी चीज़ें प्रीवियस गाड़ियों की ही तरह थी, जैसे CRDI इंजन अगर डीजल गाड़ी है तो, और अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो MPFI टेक्नोलॉजी जो काफ़ी पुरानी है, और बाकी की भी सारी चीज़ें सेम ही थी, ABS, एयरबैग वगैरह वगैरह जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें सेम थी। लेकिन केवल एक चीज़ डिफरेंट थी जो पुरानी गाड़ियों में नहीं थी, और वो चीज़ क्या है, उसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो टेक्निकली हम ये बोलेंगे कि अल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। वो इंजन से पावर लेता है, उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो एनर्जी बैटरी के पास जाती है, और बैटरी उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है। बाद में जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी अभी बंद है और हमें उस गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पर बैटरी उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा स्टार्टर मोटर रन होता है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरीके से जहाँ भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो वो बैटरी सप्लाई करती रहती है। तो पुराना अल्टरनेटर केवल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, और अगर सिंपल भाषा में बोलें तो अल्टरनेटर केवल बैटरी को चार्ज करता था बस, उसके अलावा उसका कोई भी रोल नहीं था। लेकिन जो SHBS टेक्नोलॉजी मारुति द्वारा इन्वेंट की गई, मारुति द्वारा यूज की गई गाड़ियों में, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि फॉरेन में हो सकता है बहुत सारी गाड़ियाँ जिनके अंदर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से यूज की जा रही हो,
तो उन्होंने ऑल्टरनेटर बनाया, एक्चुअल में उसे ऑल्टरनेटर नहीं बोलेंगे हम लोग, और उसे एक स्पेशल नाम भी दिया मारुति वालों ने, और वो नाम दिया उन्होंने ISG, इंटीग्रेटेड स्टार्टअप जनरेटर। तो दोस्तों इसके अंदर कई एक खास बातें थी। इसके अंदर सबसे खास बात ये थी कि पुराने जो ऑल्टरनेटर थे वो केवल बैटरी को चार्ज करते थे, और बोल रहे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। लेकिन जो ये ISG है, या आप अभी मेरे बहुत सारे मैकेनिकल भाई हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी उसे हाइब्रिड ऑल्टरनेटर बोलते हैं, और वो बोलना उसे सही भी है, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब होता है मिली जुली जाति का, या आप बोले दो तीन बंदों की क्वालिटी अगर किसी एक बंदे के अंदर डाल दिया जाए तो आप बोल सकते हैं ये हाइब्रिड है। तो ये हाइब्रिड टर्म सही भी है उसके लिए। तो उसकी खास बात यह है कि वो एज अ जनरेटर भी काम कर सकता है, और आप बोलो ऑल्टरनेटर की तरह भी काम करता है। दूसरा, वो एज अ मोटर भी काम करता है, और ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है ECU के थ्रू। वो डायरेक्टली ECU से अटैच रहता है, और जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ECU से कमांड देता रहता है, और वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ को लगाने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ। उस चीज़ को लगाने से खर्चा बढ़ा, ये सही बात है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उन्होंने एक एडिशनल चीज़ यूज की जो पुरानी गाड़ियों में नहीं थी, और वो चीज़ थी लिथियम की बैटरी, जो काफ़ी कॉस्टली होती है। अगर मेरे किसी भाई की गाड़ी ख़राब हुई हो तो उन्हें मालूम भी होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी होती है। अगर आप अर्टिगा या सियाज की बात करें तो जो फ्रंट पैसेंजर साइड का जो सीट होता है उसके नीचे लगी रहती है मोस्टली, उसकी वही लोकेशन है, वहाँ पर वो लिथियम बैटरी लगी होती है, उस पर लिखा भी होता है। तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरा चीज़, उसका जो ऑल्टरनेटर है, सॉरी हाइब्रिड ऑल्टरनेटर, उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो ऑर्डिनरी ऑल्टरनेटर थे उससे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई कि SHBS होता क्या है, इसके अंदर किस टाइप का हाइब्रिड ऑल्टरनेटर लगा है। अब बात करते हैं हम लोग कि उसका बेनिफिट्स क्या है उसके। तो दोस्तों उसके कई एक बेनिफिट्स हैं, और जब भी ज़रूरत होती है उसका बेनिफिट निकल के सामने आता है हमारे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले जो ऑर्डिनरी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर हाइब्रिड ऑल्टरनेटर नहीं है, उस गाड़ी को जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें केवल जो स्टार्टर मोटर है, या हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं जो सेल्फ है, केवल सेल्फ ही इंजन को स्टार्ट करता है। लेकिन जिन गाड़ियों के अंदर हाइब्रिड ऑल्टरनेटर लगा है, उन गाड़ियों में जो ISG लगा है या हाइब्रिड ऑल्टरनेटर है, वो स्टार्ट होने में इंजन को मदद करता है, क्योंकि वो एज अ मोटर भी काम करता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो मोटर की तरह काम करेगा। ऑल्टरनेटर डायरेक्टली इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है उससे कनेक्ट होता है बेल्ट के थ्रू, इसलिए वो उसे पावर देता है और गाड़ी आसानी से आपकी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। एक ये इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट होता है आपका, मान लो आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो जब हम ओवरटेक किसी गाड़ी को करते हैं तो हमारा मोटो होता है कि हमारा इंजन ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करे, जिससे तेज़ी से हम लोग किसी गाड़ी को ओवरटेक कर पाएँ। तो जब हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, टेक्निकली अगर हम बोलें तो एक्सेलरेट करते हैं, उस टाइम पर जो सीट के नीचे बैटरी लगी है लिथियम बैटरी, वो बैटरी ISG को एनर्जी सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है, उस एनर्जी को ISG कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी बेल्ट के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफ़र होती है, जिससे कि इंजन की पावर बढ़ जाती है और आप आसानी से किसी गाड़ी को ओवरटेक कर पाते हैं। या सिंपल भाषा में बोलें तो उस टाइम पर जो हमारा ISG है, हाइब्रिड ऑल्टरनेटर है, वो इंजन को पावर देता है, इंजन की पावर बढ़ जाती है, और बड़ी तेज़ी से आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर पाएंगे। और जब आप अपनी गाड़ी को डी एक्सेलरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ब्रेक लगाना है, कोई सडनली आगे ट्रैफिक आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाती है, आपको अपनी गाड़ी को डी एक्सेलरेट करना है, तो उस टाइम पर यह गाड़ी एज अ ऑल्टरनेटर, सॉरी उस टाइम पर जो हमारा हाइब्रिड ऑल्टरनेटर है वो एज अ ऑल्टरनेटर काम करेगा,
जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ECM को तो पता चल ही जाता है कि भाई आपने ब्रेक लगा दिया, वहाँ पर सेंसर लगा होता है, जैसे ही आप लगाएंगे वो इंगेज होगा, ECM को सिग्नल जाएगा, पता चल जाएगा आप ब्रेक लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे, जो हमारा हाइब्रिड ऑल्टरनेटर है जो अभी एज ए मोटर काम कर रहा था, वो ऑल्टरनेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है, वो बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रॉफिट है। जिस टाइम पर आपकी गाड़ी एनर्जी लॉस कर रही है, एनर्जी वेस्ट जा रही है, उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करेगा और आपकी बैटरी चार्ज कर देगा। और जब आपको मोर एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो जो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी सप्लाई हो जाएगी इंजन के लिए, और इंजन हमारा और तेज़ी से रन करेगा। तो इस ऑल्टरनेटर के लगे होने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। पहला बेनिफिट ये है कि आपकी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से रन करेगी अगर आप सडनली एक्सेलरेट करते हैं। दूसरा, आपका जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो एनर्जी का भी यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा और फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगी, और सिंपल भाषा में आप बोलो तो गाड़ी का एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सारे बेनिफिट्स हैं, और इससे प्रॉब्लम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंच सके, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस टाइप के टेक्निकल वीडियोस मैं आए दिन YouTube पर अपलोड करता रहता हूं। और जब आप बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा और आप उस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।